पर्सनल अगर मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊं कि 2019 तक मुझे ऐसे लगा जैसे कि अब मुझे जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा था वो मुझे अपनी यंगर जनरेशन के साथ शेयर करना चाहिए। और आप यकीन मानिए कि जब हमने पढ़ना शुरू किया मसनवी को तो हम हर कहानी के ऊपर 18 से 20 घंटे, तो एक एक कहानी जो है वो 1.5-2 महीने के ऊपर मुहित होती थी और उसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता, और यही तरीका है मसनवी पढ़ने का। लेकिन क्योंकि फास्ट फूड का ज़माना है, पराठा रोल और बर्गर्स का ज़माना है, और बच्चे भी एक 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 ऐसी जनरेशन को बिलोंग करते हैं जहाँ पर अब गूगल बार्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो एक स्पीड का तकाजा सामने रखते हुए मैंने उन्हीं कहानियों को अपने हल्के में 1 घंटे में करने की कोशिश की, जिसका जाहिर है वो नतीजा नहीं निकल सकता जो 18 घंटे जब आप लगाएंगे कहानी पे जो उसका नतीजा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मुझे लगा के फ़ायदा हुआ। 2019 में ये काम शुरू हुआ, मार्च 2020 तक कोविड फैल चुका था, तो लिहाजा उन सेशंस को हम लोग उस पे ले गए जूम पे। मुझे किसी ने पूछा कि आपने कोविड में क्या खोया क्या पाया, एक हमारी ऐसी एक नशिस्त हो रही थी, तो मैंने कहा मैंने बहुत कुछ पाया, क्योंकि वो आइसोलेशन में लॉकडाउन में बहुत मौका मिला कि मसनवी के साथ इंगेज हों, और जो सेशंस हम हर 2 हफ्ते पे करते थे वो हमने हर हफ्ते करना शुरू किए, और मुझे ये तौफीक मिली, और मैं रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि पहली 3 वॉल्यूम्स जो हैं मसनवी मौलाना रूम की उनको एक तरह से पढ़ाने, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती क्योंकि मैं अपने आप को हरगिज़ उस्ताद नहीं मानती, एक फैसिलिटेट करने का मुझे मौका मिला। और मसनवी का जहाँ तक ताल्लुक है, जिस तरह हमारे अहमद अली साहब ने फरमाया कि इसका बर्रे सगीर पाक व हिंद के ऊपर एक बहुत बड़ा इसने असर छोड़ा है, लेकिन दुनिया की मैं आपको अगर बताऊँ अदबी तारीख में, अगर आप इसको आप जाके इंटरनेट पे सर्च करें वो कहेंगे कि दुनिया की अदबी तारीख में इसको, द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर, इसको एक बहुत बड़ा खजाना, इनफैक्ट इसको एक बहुत बड़ा कारनामा तसव्वुर किया जाता है। और मुझे किसी ने पूछा, इसी तरह किसी ने जूम सेशन करवाया पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ साइकाइट्रिस्ट और इस तरह किसी ने, तो उन्होंने एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा 13वीं सदी की मसनवी और ये आप समझती हैं कि अभी भी रेलिवेंट है? तो मैंने, मुझे याद है कि मैंने उसमें एकदम मैंने जवाब दिया, मैंने कहा आप रेलेवेंस की बात कर रहे हैं, करंट है, करंट यानी आजकल सोशल मीडिया के थ्रू बहुत प्रोपेगेंडा होता है। मसनवी मौलाना रूम में एक पूरी कहानी है, द ज्यूइश किंग एंड हिज क्रिश्चियन सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर वो उन्होंने बताया कि प्रोपेगेंडा किस तरह किया जाता है और किस तरह से आप अपने आप को उस प्रोपेगेंडा के खिलाफ अपना दिफा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत करंट लिटरेचर है, इसको ये ना समझें कि 13वीं सदी में उन्होंने कुछ कह दिया और आज के साथ इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। इससे पहले कि मैं कुछ गुजारिशात मसनवी के हवाले से और इसको किस तरह से हम इससे मुस्तफीद हो सकते हैं आजकल के ज़माने में, मैं इसके एक अमेजिंग स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आज मेरा मैंने सोचा था कि इस चीज़ पे बात की जाए कि अदब बराए अदब नहीं बल्कि अदब बराए हदफ, ये हमारा नज़्बुलैन होना चाहिए कि हम किस तरह इन अमेजिंग जो लिटरेचर के ये शाहकार हैं उनके साथ हम मुस्तफीद हों। तो मसनवी को सदियों से इंसान साजी के लिए और किरदार साजी के लिए और राह सुलूक की मंजिलें तय करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, उससे फैज़ हासिल किया गया है। और ख़ुद मौलाना फरमाते हैं दिस इज़ द बुक ऑफ मसनवी एंड इट इज़ द रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ रिलीजन एंड इट इज़ द एक्सप्लेनर ऑफ द कुरान। और ये तो आपने कई मरतबा सुना होगा कि मसनवी मानवी मौलवी हस्त कुरान दर जबान पहलवी। अभी आने से पहले मैंने फिर से पूछा अपने उस्ताद हैं जवाद हमदानी साहब इस्लामाबाद में कि सर ये किसने कहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये शेर एट्रिब्यूटेड है। उन्होंने कहा ये अब्दुल रहमान जामी ने कहा, लेकिन ये वो ब्रॉड सेंटिमेंट है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली पर्शियन स्पीकिंग जो स्कॉलर्स हैं, जो लिटरेचर जिन्होंने पढ़ा उसमें ये यही है कि ये
हस्त कुरान दर ज़बान पहलवी, ये बहुत बड़ा वर्डिक्ट है किसी भी लिटरेचर किसी भी अदब के बारे में ये बात कहना कि ये कुरान की अक्कासी करती है। लेकिन जो सबसे हैरान कन एस्पेक्ट, सबसे हैरान कन बात मैं आपको बताने लगी हूँ कि मौलाना रूमी का तो फ़नून लतीफ़ा से एज सच कोई ताल्लुक नहीं था। आपकी तो ट्रेनिंग फ़िक़्ह और क़ानून की ट्रेनिंग है। अगर आप उनकी सवाने उम्री पढ़ें तो आपको पता चलेगा कौनिया में चार लॉ कॉलेजेस में मौलाना लॉ पे लेक्चर देते थे, लॉ लेक्चरर थे। उन्होंने तो कभी इस तरफ गए ही नहीं, वो दास्तान गोई और कहानियाँ बताना, और उनका तो काम फतवे देना और खुतबे देना था। लेकिन उनकी ज़िंदगी में 37 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा तगैर आया, भोंचाल, हज़रत शम्स तबरीज़ की तालीमात, उनकी रफ़ाकत। और मेरे ख्याल में इतने माशाल्लाह सारे अदबी लोग बैठे हैं, आप लोगों को पता है कि वो क्या वो मीटिंग थी जिसकी वजह से मौलाना में तगैर आया। इन फैक्ट मैंने भी रिसेंटली पढ़ा कि जहाँ पर मौलाना रूमी की और शम्स तबरीज़ की पहली मुलाकात हुई, उस जगह को टर्की में कहते हैं मरज अल बहरैन, द मीटिंग ऑफ द टू सीज, दो समंदरों का मिलना। और वहाँ पर लोग जाके चिराग जलाते थे और वो बहुत बड़ा मीटिंग पॉइंट है। और उस मीटिंग से 40 साल की उम्र में वो जो सेपरेशन, वो मीटिंग, वो टीचिंग, उससे मौलाना वो बने जो मौलाना खुद कहते हैं कि हैच चीज़ें खुद बखुद चीज़ें नशुद, हैच आहन खुद बखुद तेगे नशुद, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरीज़ी नशुद। और ये जो है सुल्तान बाहू भी तो यही कहते हैं, सुल्तान बाहू भी यही कहते हैं कि अल फल्ला चंबे दी बूटी मुर्शद मन विच लाई हूँ, कि मुर्शद का ये मुर्शद की करामत है, मुर्शद का रोल है। मैं आजकल बहुत परेशान होती हूँ क्योंकि मैं क्रिमिनोलॉजी पढ़ाती हूँ, इस्लामिक लॉ पढ़ाती हूँ और ह्यूमन राइट्स एक यूनिवर्सिटी में लॉ के एक्सटर्नल प्रोग्राम में। आजकल ना सिर्फ स्टूडेंट्स का लेकिन हम लोगों का भी, कौन है मुर्शद? गूगल, याहू, सर्च इंजन्स, GPT चैट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारे मुर्शद हैं। मेरी एक टीचर कहती थी सऊदी अरेबिया में, हमारी एक टीचर थी, वो कहती थी मन ला मुर्शद लहू मुर्शद हु शैतान, जिसका कोई मुर्शद नहीं उसका मुर्शद शैतान होता है। वो मेरे टाइप के कोई लोगों के बारे में शायद कहा गया है। लेकिन ये जो पहला लेसन हमें मौलाना रूम की ज़िंदगी से मिलता है कि आप खुद बखुद कुछ भी नहीं बन सकते। ये वो तो मौलाना साहब ये भी कहते हैं ना कि 6000 किताबां पढ़ियां जालिम नफ्स न मरदा हूँ, 6000 किताबां पढ़ियां, यानी किताबों से आप उस तरह फैज़ हासिल नहीं कर सकते। यू नीड अ मीडियम, यू नीड अ मुर्शद, यू नीड अ मेंटोर। बाज किसे ना मारिया बाहू चोर अंदर दाहू, के जो फ़कीर की जो लेवल पे इंसान चला जाए वही आपका उस्ताद बनने के लायक होता है। तो मेथडोलॉजी क्या है मसनवी मौलाना रूम की, वॉट इज़ द मेथडोलॉजी ही यूजेज? ये वही मेथडोलॉजी है जिसका जिक्र कुरान में है, सूरह अल आराफ आयत नंबर 176 में अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफक्करून, सो टेल द स्टोरीज सो दैट दे माइट रिफ्लेक्ट। दिस इज़ द मेथडोलॉजी ऑफ द कुरान। रिसेंटली मैं सुन रही थी कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टोरी टेलिंग, कि इवन सूरह फातिहा में एक कहानी है, थोड़ा सा आपको वफ़ा दूंगी सोचने का, सूरह फातिहा में भी कहानी है सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया, आ गई आपकी कहानी। तो इतना ये कुरान की मेथडोलॉजी है जो मौलाना रूमी ने इस्तेमाल की। और इसका जो मसनवी है इसकी ऑर्गेनाइजेशन होश रुबा है, और ये मैं पूरे बकायम होशो हवास ये लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रही हूँ होश रुबा, और वो मैं आपके सामने आज शेयर करना चाह रही थी। मसनवी में 24,000 अशार हैं और ये डिवाइडेड है 6 वॉल्यूम्स में, 6 दफातर हैं इसके, और हर वॉल्यूम की एक ओवरऑल थीम है, थीमेटिक है हर वॉल्यूम। और जो आपकी पहली वॉल्यूम है उसका ताल्लुक नफ्स से है,
और इसके अंदर एक तो पूरा ईथॉस है, इस्लामिक ईथॉस, इस्लामिक फिलॉसफी, तो वो उसके अंदर कंटेंड है जो पहली वॉल्यूम है। अब आप सोचें कि एक 13वीं सदी के दानिश्वर मौलाना रूमी भी नफ्स की बात करते हैं, उनकी पहली वॉल्यूम इज़ अबाउट द नफ्स, और जिस तरह मैंने अभी कोट किया था, 6000 किताबें पढ़ियाँ, जालिम नफ्स ना मर्दा हूँ, मौला जो 17वीं सदी के सुल्तान बाहू हैं रहमतुल्लाह अलैह, वो भी नफ्स की तरफ इशारा करते हैं कि यहीं से सारा मेक और ब्रेक है, यहीं से हर कुछ है। क्योंकि और जब मैं आज इतना हमारे पास टाइम तो नहीं है कि हम इसको बहुत डेप्थ में देखें, मैं आगे जाके अपनी जो ये सेशन है इसके आखिरी हिस्से में आपके साथ पहली वॉल्यूम का एक चीज़ शेयर करूंगी, उसमें फिर मैं नफ्स के बारे में आपके साथ बात करूंगी। दूसरी वॉल्यूम जो है मौलाना की, उसका ताल्लुक बसीरत और बसारत से है, इतनी वो क्लियर कट, इतनी खूबसूरत। लेकिन मैंने एक लफ्ज अभी इस्तेमाल किया था, होश रोबा। मैं आपको बता नहीं सकती कि इसकी जो पहली कहानी है उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। उसमें 12 कहानियां हैं, जो पहली कहानी है सेकंड वॉल्यूम की, उसके अंदर 12 छोटी छोटी कहानियां हैं, और वो इस तरह से फ्लो करती हैं कि एक कहानी खत्म होती है दूसरी, दूसरी से तीसरी, लेकिन इन कहानियों में एक रिंग स्ट्रक्चर है। जो पहली और 12वीं कहानी है उसका एक टॉपिक है, फिर दूसरी और 11वीं कहानी का एक टॉपिक, तीसरी और 10वीं, चौथी और 9वीं, 5वीं और 8वीं, और फिर 6 और 7 का एक थीम है। इतना परफेक्ट स्ट्रक्चर है। और मैं सोचती हूँ क्या ये इसलिए है, इसलिए कि मौलाना वॉज ए ह्यूमन जीनियस, या ये एक इल्हाम की कैफियत है कि एक ऐसी चीज़। और ये एक जगह नहीं है, ये बार बार आपको इस किस्म की मैथमेटिकल किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस मसनवी में नज़र आएंगी। तीसरी वॉल्यूम का ताल्लुक इल्म और हिकमत से है, इसकी भी एक थीम है। सारी कहानियाँ जो हैं उनकी ओवरऑल थीम इल्म और हिकमत है। और इस वॉल्यूम के शुरू में मौलाना खुद फरमाते हैं, इतनी प्यारी बात करते हैं, वो कहते हैं पीसेस ऑफ विजडम आर द आर्मीज ऑफ गॉड। हिकमत जो है और हिकमत की प्रैक्टिस जो है, ये इसी तरह है जैसे कि अल्लाह मियाँ की फौज हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह के मद्दे मुकाबिल क्या होता है, हिजबुश शैतान। और हिजबुश शैतान का काम क्या है, इंसान को गुमराह करना, और हिजबुल्लाह का काम जो है जाहिर है वो इंसान को राह पे रखना। तो वो हिकमत और इल्म को हिजबुल्लाह या अल्लाह की फौज से ताबीर देते हैं। और एक से एक इसमें कहानी, और ये तीन वॉल्यूम्स जो है ये हमने अभी गूगल पे, इनकी जो मेजर स्टोरीज हैं गूगल पे, नहीं जूम पे, और हम लाइव सेशंस में करके इसको हमने कंप्लीट किया। चौथी वॉल्यूम का ताल्लुक इल्हाम से है, ठीक है, और 5वीं और 6वीं का करप्शन ऑफ द सोल के साथ। तो ये वो 6 वॉल्यूम्स हैं, और इन तमाम वॉल्यूम्स में आपकी ऑर्डिनरी पॉप कल्चर से, पॉपुलर कल्चर से, जो आपके दिन रात के आपके लोग हैं, उस्ताद हो गया, शागिर्द हो गया, बादशाह, गुलाम, कनीज, उस जमाने के किरदार और आजकल के भी, उन सब को उन्होंने इस्तेमाल करते हुए आम फहम में आम कहानियाँ आपके सामने रखते हैं, और वो इतनी अमेजिंग कहानियाँ होती हैं कि वो आपके अंदर इंटरनलाइज हो जाते हैं उनके लेसन्स। इसका क्या रोल है और इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए चेंज मेकिंग में? क्या हम आज भी मसनवी को इस्तेमाल कर सकते हैं? जब हम क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि 2 स्ट्रैटेजीज होती हैं सोसाइटी में क्राइम को कंट्रोल करने की और जुर्मियात के हवाले से। एक का नाम है सिचुएशनल क्राइम कंट्रोल। बैंक में डाके पड़ रहे हैं, आपने गार्ड्स बिठा दिए, गाड़ियां उठाई जा रही हैं, आपने ट्रैकर्स लगा दिए, सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी होती है। एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आप उन अवामिल को एड्रेस करते हैं जिनकी वजह से जुर्म आ रहा है, उसको हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। और ये सोशल इंजीनियरिंग का एक शाहकार आपके सामने बनी बनाई एक पूरी प्लानिंग के साथ, थीम्स के साथ 6 वॉल्यूम्स हैं। अंदाज़ा करें अगर हम इनको अपने कोर्स के अंदर
इंटीग्रेट कर लें तो हम विद इन मे बी अ ईयर विद इन टू ईयर्स वी कैन चेंज आवर सोसाइटी. मैं खाली यूथ की बात नहीं करूंगी, हमने कौन सा मार्का मार लिया हमारी जनरेशन ने या हमारी से पहले जनरेशन ने. तो अब ये यूथ तो फिर भी अब मेरे पास आते हैं, बच्चे कहते हैं जी हमें मसनवी पढ़ना है, ऑल दो वो बहुत कुछ और कर सकते हैं ज़माने में निकल के, लेकिन वो अपने फ्राइडे या सैटरडे को वो बैक कर रहे होते हैं कि मैम कब रख रही हैं आप मसनवी पे सेशन. तो इस वक्त लोगों के अंदर दे आर फीलिंग द नीड कि हमको मसनवी पढ़नी चाहिए. अच्छा, अब मैं ये जो हमारा सेशन है इसके आखिरी हिस्से में सिर्फ आप लोगों के साथ मसनवी मौलाना रूम की जो पहली वॉल्यूम है उसका एक सरसरी जायज़ा पेश करना चाहती हूँ. आप में से कितनों ने इसकी जो पहली कहानी है बादशाह और कनीज़ की उसको पढ़ा है? एनी रीडर्स, किसी को पता है इस कहानी के बारे में? चार किरदार के ऊपर मुख्तसर सिर्फ 4 कैरेक्टर्स हैं, उसमें क्या एक शाहकार कहानी मौलाना बयान करते हैं. और ये एक कलीदी कहानी है. इस कहानी की सिंबल्स, इसकी टेक्निक्स और इसकी मेथडोलॉजी को समझ जाए तो पूरी की पूरी मसनवी आपके लिए खुल जाती है. एक तरह से मैं लोगों से कहती हूँ, अगर ये वो ना हो और मैं गलत वो ना कर रही हूँ ताबीर, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि व्हाट सूरह फातिहा इज़ टू द कुरान, द फर्स्ट स्टोरी ऑफ द मसनवी इज़ टू मसनवी मौलाना रूम, ये उसका एक रिलेशनशिप है. और इस कहानी के अंदर वाकई किसी ने नहीं पढ़ी ये पहली जो कहानी है बादशाह और कनीज की, कि एक बादशाह शिकार के लिए निकलता है एक दिन दोस्तों के साथ, घुड़सवारी कर रहा है और वो एकदम से जंगल के किनारे कनीज खड़ी होती है और वो उसको देख के उसका आशिक हो जाता है. और वो मौलाना इतने प्यारे तरीके से कहते हैं कि बहर सैदे मीशुद ओ बरको हो दश्त नागहां दरदाम इश्क उसैद गश्त, कि वो शिकार खेलने निकला और खुद शिकार हो गया. एंड दिस इज़ लाइक एक ह्यूमन एक्सपीरियंस. कितने मरतबा हमारे साथ होता है, हम बाज़ार जाते हैं कुछ लेने के देने हो जाते हैं, एक्सीडेंट करवा देते हैं या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है. ये ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक इतना जो हर इंसान इस चीज़ से गुजरता है. तो वो ना कहाँ इस किस्म की चीज़ बादशाह के साथ होती है. अब वो कहते हैं कितने की ये कनीज़ है, 13वीं सदी की बात है. उन्होंने कहते हैं कि जी ये इसकी ये कीमत है, वो उसी वक्त कीमत अदा करके उसको खरीद लेते हैं. बादशाह जो है और उसको बड़ा ज़ोम है कि मैं तो बादशाह हूँ, आई कैन गेट वॉट एवर आई वॉन्ट. और एकदम से वो कनीज़ बीमार पड़ जाती है और फिर वो दुनिया भर से तबीबों को बुलाता है क्योंकि बादशाह है, लेकिन जो इलाज किया जाता है वो और बीमार पड़ती जाती है. तब उसको अपनी बेबसी का उसको होता है एहसास. और ये पूरा का पूरा जो पहला पैसेज है इसके अंदर वो जो एक यूनिवर्सल व्यू है खुदा की बेनियाजी का और बंदे की बेबसी का, उसको जिस तरह मौलाना आपके सामने पेश करते हैं. और फिर जब वो इस बेबसी के आलम में वो कहते हैं कि ये क्या है, मैं तो बादशाह हूँ, हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है, ये क्या हुआ, तो वो नंगे पैर भागता है मस्जिद दुआ करने. और वो जो सेकंड पैसेज है वो सिर्फ दुआ के ऊपर है और दुआ की जो वो आदाब सिखाते हैं कि जिस तरह वो बादशाह गिरियाओजारी करता है, इतनी गिरियाओजारी करता है कि वो बेहोश हो जाता है और वो नंगे पैर, एक बादशाह है मगर नंगे पैर भागता है. और फिर वो जो आपकी जो एक सच्ची दुआ होती है जो दिल से निकलती है जो असर रखती है, उसको बशारत होती है कि तुम्हारे पास हम एक तबीब, एक मुर्शद, एक उस्ताद भेजेंगे. और उस और जिस तरह जब वो अगले दिन वो उस्ताद आते हैं और जिस तरह बादशाह उनका इस्तकबाल करने जाता है, तो मौलाना अदब के ऊपर फिर बयान करते हैं और क्या वो अदब के ऊपर उनकी पूरी एक वो है. और उसमें दो किस्से बयान करते हैं, बनी इसराइल का और एक हज़रत ईसा का, अभी टाइम नहीं है, लेकिन उसमें वो सिखाते हैं कि अदब क्या चीज़ है, ये इतनी बड़ी चीज़ है. सुल्तान बाहू भी अपने कलाम में कहते हैं कि तस्बीह फिरी दिल ना फिरया, की लेना तस्बीह फड़के हू, इल्म पढ़या अदब ना सीखा, की लेना इल्म नू पढ़के हू, की लेना क्या है. वो एक इमाम थे, इमाम जोजी या इमाम कोई बड़े इमाम थे, वो कहते हैं इल्म और अदब का जो रिलेशनशिप है वो इस तरह होना चाहिए कि आटे भर अदब और नमक बराबर इल्म, दैट इज द प्रोपोर्शन.
हमारे पास बोरियां बोरियां भर के इल्म है, इंफॉर्मेशन है, अदब नहीं है। और अदब जो है तो इसको हमारी टीचर ने ट्रांसलेट किया स्पिरिचुअल कर्टसी। और उसके ऐसे ऐसे एंगल्स मौलाना ने बताए हैं इस कहानी में, तो वो शुरू करते हैं इंसान की बेबसी से, अल्लाह की बेनियाजी से, दुआ किस तरह करनी है, अदब किस चीज़ को कहते हैं। फिर वो जो तबीब है वो लड़की का इलाज करने जाता है, कनीज का, वो तो हर इतनी बीमार पड़ी भी होती है बिल्कुल मरने वाली हालत में, तब उनको पता चलता है कि उसको एक सुनहार से मोहब्बत है, वो मरीज़ इश्क है। और फिर जो मौलाना इश्क के ऊपर बयान करते हैं, और फिर वो जो किससे इन लव है, सुनहार से, फिर वो उसका इलाज करते हैं, किस तरह सुनहार को बुलाते हैं, किस तरह उसको पूरा वो सारा है, और फिर वो लड़की ठीक हो जाती है। जब इसकी हम डेप्थ में जाते हैं तो पता चलता है बादशाह हम खुद हैं, इंसान, और कनीज जो है वो कौन है, नफ्स। और बादशाह इज इन लव विद द नफ्स, तो जाहिर है नफ्स सर पे चढ़ के नाचेगी। और जो नफ्स है वो किससे इन लव है, सुनहार क्या है, दुनिया। और जो मुआलिज है, जो मुर्शद है, वो किस तरह से नफ्स को ट्रीट करके वापस बादशाह के कंट्रोल में देता है। ये ऐसी कहानी है, मैं बयान नहीं कर सकती आपको इसका प्लॉट, लेकिन इसका ये तो मैं आपको कह रही हूं, उसका स्ट्रक्चर देखें होश रुबा। ये पहली कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसका नफ्स आउट ऑफ कंट्रोल है। उसके बाद बहुत सारी किताब कहानियां हैं, और आखिरी कहानी हजरत अली करम अल्लाह वजह, जो मैदान जंग में, और जिस तरह मौलाना डिस्क्राइब करते हैं कि दुश्मन को चित कर दिया, उसके सीने पे है तलवार खींच ली। और यूजली क्योंकि मैं क्रिमिनोलॉजिस्ट हूँ, मैं हाई स्पीड परसूट सिंड्रोम, जब पुलिस किसी का ताकुब कर रही होती है तो उनका जो जोश का आलम होता है, तो इसलिए जब वो रुकते हैं तो वो जब मारना शुरू करते हैं, इसलिए कि उसको कहते हैं हाई स्पीड परसूट सिंड्रोम, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप जोश के आलम में होते हैं बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना। ये मैदान कारजार है, मैदान जंग है, दुश्मन को चित किया, तलवार पीछे खींची हुई है, ही इज गोइंग टू स्ट्राइक द ब्लो, और वो दुश्मन उनके मुंह पे थूकता है और आप तलवार खींच लेते हैं। उस हालत में जोश के आलम में अपने ऊपर कंट्रोल करना, और फिर वो आदमी को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तौहीद की आमेजिश को, इतनी विजिलेंस है अपने नफ्स की, इतनी पहरादारी है अपने नफ्स के ऊपर कि वो ही नोज कि इधर अब मेरा गुस्सा आ गया बीच में, तो तौहीद कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, दैट्स इट। तो फिर वो आदमी पूछता है, वो पूरा वो कहानी है। तो आप सोचें कि नफ्स की जो कहानी वो बयान करते हैं, कि एक ऐसे बादशाह से शुरू करते हैं जिसका नफ्स आउट ऑफ कंट्रोल है, और फिर ऐसे बादशाह रूहानी दुनिया के बादशाह पे ख़त्म करते हैं जो इस तरह अपने नफ्स के ऊपर हावी हैं, जो कंट्रोल में हैं। तो ये वो होशरुबा ऑर्गेनाइजेशन है मसनवी की, जो उससे पता चलता है कि ये वाकई एक इल्हामी किताब है। और इल्हामी किताबों का पढ़ने का एक तरीका होता है, वो वही तरीका है जो हमारी उस्ताद ने हमें सिखाया, कि आप एक पैसेज पढ़ते हैं, एक दो हफ्ते तक आप उसी पे रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। लेकिन मैंने अफसोस के साथ इसको थोड़ा सा फास्ट कर दिया। तो और इन दोनों कहानियों के दरमियान आपका मसला है जबर व कदर, मटीरियलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म, क्या क्या कहानियाँ मौलाना। और ये पूरी की पूरी मसनवी जो है, उसमें जो आपको मौजूआत मिलेंगे वो ज़िंदगी की हकीकत, गाइडेंस, तकदीर, तदबीर, नफ्स, दीन, दुनिया, आखिरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, उनकी तालीमात, और ये सब कुछ जो है आम फहम दिलचस्प कहानियों के थ्रू वो बयान करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें इट्स हाई टाइम कि हमको इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए, कि मसनवी मौलाना रूम की तालीमात को आम करना चाहिए। स्टोरी टेलिंग उनकी मेथडोलॉजी है। हमारे एक टीचर हैं कराची में, अब्बास साहब, अब्बास हुसैन, वो कहते हैं कि स्टोरी टेलिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्टोरी वो हुक है। जब हम किसी कमरे में जाते हैं, हम अपना कोट लटकाना चाहते हैं तो हम हुक के ऊपर लटकाते हैं, उसी तरह जब हम कोई मैसेज देना चाहते हैं, सबक देना चाहते हैं, तो उसको हम एक किसी कहानी के साथ अटैच कर देते हैं। फातबिरू या उलुल अबसार, अल्लाह ताला भी हमें कहानियों के थ्रू समझाते हैं और फिर कहते हैं इबरत हासिल करो, लर्न योर लेसन। खाली कह देते
लेकिन आप देखें कुरान कितनी इंटरेस्टिंग किताब है और किस तरह उसके अंदर स्प्रेड आउट है। इसमें छोटी सी एग्जांपल दे दूं, ये चीज़ मैंने अपने बेटे से सीखी, वो सारा वक्त कुछ तो फ़ायदा हो ही गया इंटरनेट का, तो उसने कहा कि रिसेंटली कि क्यों नहीं हेल्प आ रही, एक पूरी दुनिया के आंखों के सामने जेनोसाइड हो रहा है, लाइव जेनोसाइड हम देख रहे हैं, तो क्यों नहीं। तो उसने कहा, किसी ने स्कॉलर ने कहा कि सूरह यूसुफ की कहानी में हमको इसका एक वो मिलता है कि क्यों कभी कभी कोई चीज़ के अंदर डिले आता है या टाइम लैप्स आता है। अगर हज़रत यूसुफ वो दो जो थे जो प्रिजनर्स थे उनके साथ, जब उनको फ्री किया जा रहा था कि वो जब छोड़ के जा रहे थे प्रिजन, तो आपने कहा था कि मेरा जिक्र करना बादशाह से, कहते हैं कि वो और वो प्रिजनर भूल गया जो जिंदा रहा, कहते हैं अगर उसको याद रहता वो बादशाह से जिक्र करता और बादशाह उनको उस वक्त रिहाई दे देता तो ही वुड हैव बीन एनी ऑर्डिनरी पर्सन। लेकिन जब उनकी ज़रूरत पड़ी और उस वक्त बादशाह के सामने उनका केस गया तो वो वज़ीर और फिर आगे, तो वो कहते हैं कि वो एक्सेलरेटेड उनका जो प्रमोशन था उसके लिए वो डिले की ज़रूरत थी, वो डिले फंक्शनल थी। दैट इज़ हाउ हम स्टोरीज से हिकमत की बातें सीखते हैं। ये एक नॉन कन्फ्रंटेशनल मेथड है सिखाने का और ये देर तक असर रखता है और हम इन कहानियों को इंटरनलाइज करते हैं। मैं आपको कुछ अशार मौलाना के शेयर करना चाहती हूँ जो उन्होंने इश्क के हवाले से कहे हैं। इश्क रा पांच सद परस तो हर परी, इश्क के 500 पर हैं और हर पर अस फरोज़ अरशता तख्त सरी। हर पर जो है वो अर्श से लेके तहत सरा ज़मीन, सातवीं ज़मीन के जो सात तबक ज़मीन है उस तक है। शरह इश्क अरमन बगोयम बरदवाम, सद क़यामत बगुज़रा तो आम ना तमाम। और अगर मैं इश्क की तशरीह करना शुरू कर दूँ, 100 क़यामतें आएंगी और गुजर जाएंगी और इश्क की दास्तान ख़त्म नहीं होगी। ज़ियान के तारीख़ क़यामत रा हद अस्त, क़यामत की भी कोई हद है। अल्लाह ताला कहते हैं दैट डे विल बी अ डे ऑफ 50,000 ईयर्स, एक दिन, लेकिन चलो उसकी भी कोई हद बताते हैं। हद कुजा आन जा के वस्फ ईज़द अस्त, इश्क की कैसे हद हो सकती है। अल्लाह की क्विंटेसेंशियल क्वालिटी है। समबडी मेंशन्ड अभी शबे मेराज आने वाली है इंशाल्लाह, 26 रजब, आज 22 रजब है गालिबन, 26 रजब, किसी ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट, ही वाज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लव। और ये वो इनसाइट्स हैं जो इस किस्म का लिटरेचर पढ़ने से हमें मिलती हैं। बहुत